हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान किस किस लाइन से अलग है। वो एक ही लाइन है, वो है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो कौन से स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करती है, वह गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये चार स्टेट मिलकर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है और ये यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसलिए जो जितनी भी लंबी लाइन है यहाँ तक दिख रही है हमें, ये है 3323 किलोमीटर। ये इतनी लंबी लाइन है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के साथ क्या क्या डिस्प्यूट रहे हैं। वैसे तो नॉर्मली हमारे इनके साथ काफ़ी डिस्प्यूट रहे हैं, जैसे कि ये समझौता एक्सप्रेस को बंद कर देते हैं या फिर प्रेजिडेंट की फ़्लाइट को बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम इनके साथ हमारे मेजर डिस्प्यूट देखेंगे। सबसे पहला डिस्प्यूट आता है सर क्रीक। ये सर क्रीक है, ये एक एरिया है, मार्शी एरिया, वेट एरिया भी कह सकते हैं, मार्शी एरिया भी, यानी एक तरीके का दलदल होता है। ये बनता कैसे है, मान लेते हैं ये कोई प्लेस है और यहाँ पर कोई प्लेस है। यहाँ पानी समुद्र का एंटर करता है, ये इसके ऊपर जैसे टकराता है तो ये पीछे आएगा। एवरी जो रिएक्शन अपोजिट रिएक्शन करेगा, जैसे ये पीछे आएगा तो यहाँ से भी ये रुक जाएगा। तो यहाँ पानी आ भी रहा है, जा रहा है, बैकवर्ड मोशन होता है जब ओशियनिक वाटर का, तो वहाँ एक एरिया फॉर्म हो जाता है बैकवर्ड मोशन से ओशियनटिक वाटर का। तो उस एरिया को ही बोलते हैं मार्शी लैंड सा, या फिर उसे सर क्रीक बोलते हैं उसको। जो ये सर क्रीक है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इन दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया, ये डिस्प्यूटेड एरिया बहुत पहले समय से चला आ रहा है। जब पाकिस्तान पाकिस्तान की तरफ जहाँ सिंध था, जब सिंध में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपने मैप में सर क्रीक को दिखाया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का जब गुजरात, यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इसे अपने मैप में दिखाया। तब ये लड़ाई की शुरुआत ब्रिटिशर्स के थ्रू बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही 1947 में पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तब इस एरिया के ऊपर मांग उठने लगी। ऐसा इस एरिया में है क्या जो इसकी वजह से मांग उठी? ये सबसे पहले एरिया बहुत ज़्यादा फेमस है सॉल्ट और फिश के लिए, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अंदर पेट्रोलियम की भी है, लेकिन इसका पेट्रोलियम यूटिलाइज नहीं हो रहा, लेकिन ये सॉल्ट और फिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ये डिस्प्यूटेड एरिया रहा है काफ़ी लंबे समय से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। जब 1947 में पार्टीशन हुआ तब पाकिस्तान ने एक ग्रीन लाइन ड्रॉ की, ग्रीन लाइन ड्रॉ की यहाँ पर इसे अपना एरिया दिखाने के लिए, और इंडिया ने रेड लाइन ड्रॉ की इसे अपना एरिया दिखाने के लिए। तो ये इतना डिस्प्यूटेड रहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन आखिर में इंडिया ने कहा कि हम इस सर क्रीक के दो पार्ट्स कर लेते हैं। ये पहले सर क्रीक देखते हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा आपको और ये रेड है। गुजरात में एक क्रीक और पड़ती है, वह कोरी क्रीक। यहाँ सर क्रीक है, एक होती है राजहर क्रीक, राजस्थान पाकिस्तान में पड़ती है कोरी राजहर क्रीक। पाकिस्तान ने कैसी लाइन ड्रॉ की थी? ग्रीन। जबकि इंडिया ने कैसी लाइन ड्रॉ की थी? रेड। लास्ट में इंडिया ने कहा कि हम एक कर लेते हैं कि जैसे कि ये क्रीक है, हम इसका हाफ पार्ट कर लेते हैं, हाफ आप ले लो और हाफ हम ले लेते हैं। तो ये हाफ हाफ पार्ट करना इंडिया ने एक थालवेक प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने ये रीज़न दिया कि इधर से हमारी बोट अच्छे से गुजर नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इसकी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती थी मछुआरों को, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि इंडिया का बॉर्डर कौन सा है और पाकिस्तान का बॉर्डर कौन सा है। वो जब मछलियों की तलाश में निकलते थे उन्हें तो सिर्फ मछलियाँ ही दिखाई दे रही थी, तो वो कभी पाकिस्तान वाले इंडिया में आ जाते थे, इंडिया वाले पाकिस्तान में चले जाते, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। हाल ही में अभी करंट की न्यूज़ है, अभी परमिट सिस्टम कार्ड जारी किया गया है जो मछुआरों को दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान के इंडिया आते या इंडिया के पाकिस्तान में जाते तो वो अपना वो परमिट कार्ड दिखा के राहत ले सकते हैं। ये इससे इस डिस्प्यूट से जुड़ी हुई अभी करंट की एक न्यूज़ भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट बन चुका है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट डिस्प्यूट देखते हैं, वो है रन ऑफ कच्च। रन ऑफ कच्च भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में काफ़ी लंबे समय से जो है डिस्प्यूटेड एरिया रहा। इसके अंदर क्या है कि ये फेमस है किस चीज़ के लिए? सॉल्ट और टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है।
1960 के अंदर, 1968 के अंदर इसका पार्टीशन किया गया। इसका पार्टीशन में क्या किया गया है कि इसका 10% तो पार्ट दे दिया गया पाकिस्तान को और इसका 90% पार्ट रखा गया इंडिया के पास। ये था इसे रन ऑफ कच्छ के। उसके बाद नेक्स्ट है पीओके। जब 1947 में पार्टीशन हुआ तब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया और उन्होंने ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया है इसे ऑक्यूपाइड किया और इसका नाम दिया गया पीओके। और ये जो बचा हुआ ये है जम्मू कश्मीर और ये है पीओके। तो पीओके और जम्मू कश्मीर को जो लाइन अलग करती है वही है लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी। जो पीओके और जम्मू और कश्मीर को अलग करे वो लाइन है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी लाइन के ऊपर उरी, पालमोरा जैसे जैसे बहुत ज़्यादा सेक्टर्स है और यहीं से दो बार सर्जिकल स्ट्राइक भी हो चुकी है। जो हमने इंडिया का सबसे नॉर्थेस्ट पॉइंट पढ़ा था इंदिरा कोल वो भी यहीं है, पीओके में ही है। K2 या गोडविन ऑस्टिन ऊंची चोटी मानी जाती है वो भी यही है। तो ये भी काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया रहा है। उसके बाद इंडस रिवर। इंडस रिवर का क्या डिस्प्यूट रहा है, ये जो इंडस रिवर है ये ओरिजिन कहाँ से होता है। यहाँ एक ग्लेशियर है, तिब्बत का एक ग्लेशियर है, वो है चेमा योंगडोंग ग्लेशियर। यहाँ से ये रिवर ओरिजिन होती है यानी यहाँ से ये निकलना स्टार्ट होती है। जैसे ये रिवर यहाँ से निकली तो ये इंडिया का एक एंट्रिंग पॉइंट है, तो यहाँ वो आई, फिर इंडिया से बाहर भी निकलेगी यहाँ से। तो इन दो पॉइंट्स के क्या नेम है, इसका नाम है दम चौक और जो इंडिया से बाहर निकलती है इस पॉइंट का नाम है चिल्लास और फिर ये पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाती है। हमारा इनके साथ इस नदी से लेकर क्या डिस्प्यूट रहा है, जब वही पार्टीशन हुआ तो इंडिया ने 1947 में हुआ तो उन्होंने कहा हम एक साल तक नदियों का पानी पाकिस्तान को देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा उनकी सिंचाई चलती रहेगी, इरिगेशन सिस्टम अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने इन्वेडेड किया, पीओके बना फिर हमारा, तो इसके चलते इंडिया ने पानी रोक दिया। इंडिया ने जैसे ही पानी रोका तो पाकिस्तान की लगभग 17 एकड़ जमीन सूख गई थी, जिससे कि उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था। 1948 की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस समय ये बात चल रही थी। उसी टाइम यूएसए में एक परियोजना चल रही थी जिसका नाम था टेनेसी परियोजना। उसके एक अधिकारी थे, उनको इंडिया में बुलाया गया इस रिवर के ऊपर बात करने के लिए। उनके अधिकारी का नाम था थियंगो, लिली थियंगो, उन्हें बुलाया गया। उन्होंने कहा कि आप इस नदी के पानी को हाफ ऑफ डिवाइड कर लो। उस समय उनकी बात को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। ये विवाद चलता रहा चलता रहा, लास्ट में आकर 1960 में इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की, वो थी इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, ये ट्रीटी हुई किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और ये करवाने वाला कौन था, ये करवाने वाला था वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक इसका क्या रहा, मीडिएटर रहा। तो वर्ल्ड बैंक ने ये 1960 में ट्रीटी करवाई थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि ऊपर की तीन नदियां वो है इंडस, झेलम और चेनाब। ये ऊपर की जो तीन नदियां हैं इनका 80% वाटर जाएगा पाकिस्तान को, जबकि जो नीचे की तीन नदियां हैं वो जाएगी इंडिया के पास, यानी राबी, व्यास और चेनाब, सॉरी सतलुज। इनका 80% वाटर जाएगा इंडिया को। ये इस ट्रीटी के अंदर साइन किया गया, 1960 में साइन हुई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड रही है ये। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में सियाचिन ग्लेशियर। ये है सियाचिन ग्लेशियर, ये भी डिस्प्यूटेड एरिया रहा है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में तुमने काफ़ी सुना भी होगा। यहाँ से एक नदी ओरिजिन होती है, वो है नुब्रा, नुब्रा रिवर। ये रिवर यहाँ से ओरिजिन होती है। अभी हमने इंडस रिवर पढ़ी, इंडस रिवर की सहायक नदी वो है शियोक, सहायक यानी ट्रिब्यूटरी। उसके बाद में इसकी ट्रिब्यूटरी कौन है, इसकी ट्रिब्यूटरी है नुब्रा। तो ये कहाँ से ओरिजिन होती है, ये सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ग्लेशियर के अंदर एक रेंज पड़ती है जिसका नाम है साल तारो रेंज, साल तारो रेंज।
इसका डिस्प्यूट देखते हैं क्या है। सालतारो रेंज का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये तो पार्ट है इंडिया के हक में, जबकि इसके वेस्ट पार्ट पर अधिकार है पाकिस्तान का। तो ये डिस्प्यूटेड रहा है इस कारण। एक बार 1984 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जापान के टूरिस्ट को यहाँ परमिशन दे दी घूमने के लिए। पाकिस्तान ने जब परमिशन दी जापान के टूरिस्ट को, तब इंडिया ने क्या किया, मना किया। जैसे इंडिया ने मना किया तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक लड़ाई की स्थिति बन गई थी। तो इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया, उसका नाम था मिशन मेघदूत, मिशन मेघदूत। तो पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा, पाकिस्तान पीछे हटा और ये हमारा डिस्प्यूटेड एरिया रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और यहाँ से नुब्रा नदी जो है ओरिजिनेट होती है, और नुब्रा किसकी सहायक है, शियोक, और शियोक किसकी सहायक है, इंडस की। और हम ये डिस्प्यूटेड एरिया सिर्फ पाकिस्तान के पास कैसा पार्ट है, इसका वेस्ट है सालतारो रेंज। इसके अंदर एक रेंज पड़ती है सालतारो रेंज, उसका वेस्ट पार्ट है पाकिस्तान के हिस्से में। तो अब तक हमने, आज हमने पढ़ा, हमने 5 डिस्प्यूट पढ़े, सर क्रीक का, रन ऑफ कच्छ का, उसके बाद में हमने देखा पीओके वाला हिस्सा, उसके बाद में शियाचिन ग्लेशियर, और फिर देखा इंडस रिवर। इनके साथ हमने हमारे डिस्प्यूट देखे, किन किन स्टेट के साथ पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है और कितने किलोमीटर का शेयर किया करता है वो देखा। इनके साथ हमारे और भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, लेकिन जो करंट में जो न्यूज़ चल रही है वो है सर क्रीक से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो करंट को स्टेटिक के साथ ज्वाइन करके ही बनते हैं, तो सर क्रीक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आजकल न्यूज़ में पाकिस्तान काफ़ी कुछ रहा है, तो इसके साथ हमें सारे डिस्प्यूट अच्छे से देखने चाहिए। थैंक यू।